बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ चुकी हूँ काफ़ी अरसे के बाद, और आज हमारे यहाँ संडे को सी फूड आया था, तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो ये जी सर्दियाँ बहुत हैं, तो ये मुझे नज़र आ गया बाज़ार में, तो मैंने ये क्रैप्स भी ले लिए। और इसका सूप बहुत मज़े का बनता है, कोरियन सूप आपने देखा होगा अक्सर, वीडियो आती रहती हैं कोरियन सूप की, तो मैंने वो ट्राई किया था और ये बहुत मज़े का बना था। और सर्दियों में बच्चों के गले ख़राब रहते हैं, नज़ला ज़ुकाम है सब कुछ, तो उसके लिए बहुत मुफीद है। तो ये मैंने अपने घर में कोरियन सूप बनाया था, तो बहुत मज़े का बना था और इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ नज़ला ज़ुकाम में, और ठंड से महफूज रहता है इंसान। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो ये मैं सूप की तैयारी कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह धोने के बाद एक पैन में हमने लेके, इसमें जिस तरह चिकन सूप बनता है आप उसी तरह से इसको बनाएं, सेम रेसिपी होती है जैसे चिकन सूप की बनाते हैं। तो ये देखें, ये ज़्यादा बड़े मिले नहीं, छोटे छोटे मिले थे, इससे भी छोटे थे ये सबसे बड़े, तो मैंने ये जो बड़े बड़े थे वो ले लिए थे ये। और इसके अंदर जो गोश्त होता है वो भी बड़े मज़े का होता है, और अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये नहीं कराहत महसूस करते हैं इसका खाने में या वैसे, तो ये सर्दियों में आप खाएं तो बहुत मज़े का लगता है ये। और ये आप एक बार बनाएंगे तो ये आप चिकन सूप भूल जाएंगे, ये इतने मज़े का बनता है। नॉर्मल जो चीज़ें हम डालते हैं घर में वही चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, और ज़्यादा इसको पकाया भी नहीं है, बस कच्चा पानी इसका निकल गया, पानी जो था इसका खूब अच्छी तरह से पक चुका था, तो उसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था और बाकी जो स्पाइसेस होते हैं वो डाल दिए थे। तो ये आप देखें, इतना पानी भी मैंने नहीं रखा है क्योंकि ये एक भाप में ही गल जाता है। तो जी हमारी ये जो वीडियो है ये काफ़ी महीनों के बाद आ रही है, तो मेरा भी दिल चाहता है वीडियो बनाने को, लेकिन बहुत अरसे के बाद बनाई है क्योंकि आप लोगों की व्यूज़ बहुत कम आते हैं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि औरों की देखती हूँ तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी डालूं वीडियो, तो ये काफ़ी महीनों के बाद मैं डाल रही हूँ। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया तो मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगी अपनी वीडियो। तो व्यूज़ कम आने की वजह से दिल भी नहीं चाहता था बनाने को, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद फिर मैंने कहा नहीं आज तो वीडियो डालनी चाहिए। तो ये संडे के दिन हमने सी फूड पार्टी अपने घर में रखी थी, तो सब चीज़ें बनाई थी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स अच्छे करना और वीडियो को पूरी देखें। ये काली मिर्चें हैं जो मैंने डाल दी थी, पिसी भी नहीं डाली थी, साबुत डाली थी, इससे अच्छा फ्लेवर आया था। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं सूप तैयार होने के बाद उसके ऊपर से, लेकिन मैंने इसमें ना काली मिर्ची फिर पीस के डाली, बस यही डाली, और नमक, काली मिर्चें, अदरक लहसुन प्याज, बस मैं यही डाल के यखनी की तरह चढ़ा देती हूँ, ये सब इसमें गल जाता है अच्छी तरह। उसके बाद कॉर्नफ्लोर डाल के सूप बन जाता है, और अंडे भी मैंने इसमें फिटे हुए नहीं डाले थे, अंडे मैंने बॉईल करके साबुत रखे थे इसके अंदर। ये थोड़ी सी हल्दी डाली है ताकि वाइटपन ख़त्म हो जाए। और ये फ़िश आई हुई है, ये दो किस्म की फ़िश मैं लेकर आई थी, ये सिंघाड़ा थी, तो मैं इसके सर भी डलवा लेती हूँ, बड़ी थी ये तो सर का भी अच्छा फ्लेवर आता है, इसका सर मैं निकलवाती नहीं हूँ, उसको हाफ़ करवा के डलवा लेती हूँ। तो ये शोरबे वाला सालन बनाए आप सर्दियों में तो बहुत मज़े का बनता है। तो ये दो किस्म की फ़िश थी, एक फ़िश का नाम मुझे याद नहीं है कौन सी थी, क्योंकि मुझे इतनी पहचान नहीं है फ़िश की, दो तीन हैं ऐसी जिनके नाम मुझे याद रहते हैं, बाकी किसी के नाम नहीं याद रहते। तो ये भी अच्छी थी, कांटे नहीं थे इसमें, और वो सबसे ज़्यादा कांटों वाली होती है तो वो बहुत मसला करती है खाने में। तो ये बच्चों के लिए मैंने अपने फ्राई कर ली थी, और बाकी मुझे फ्राई मछली अच्छी नहीं लगती, और मैं अपने लिए सालन ही बनाती हूँ फिश का।
तो वो मैंने दूसरे दिन सालन बनाया था, और जो एक ये वाली फिश तो तैयार कर फ्राई कर ली थी, ये मैंने फ्राई कर ली थी सारी, और एक मैंने धो के रख दी थी फ्रीज़र में। 2-3 दिन के बाद मैंने उसका सालन बना लिया था। और ये फिश भी बड़े मज़े की थी। और ये झींगे हैं, मीडियम साइज़ के झींगे लिए थे, तो ये हम लोगों ने सब ने मिल के बनाए। बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है इसका, और बनाने के बाद थोड़े से रह जाते हैं, तो ये मैं धो के ही बनाती हूँ। मुझे अजीब सा लगता है कि ऐसे ही बनाना ना, पहले मैं इसको धोती हूँ, फिर बनाती हूँ, फिर दोबारा धोती हूँ। ये देखें, आप अभी भी देख रहे होंगे मैं हाथ कैसे लगा रही हूँ इसमें। तो ये एक पानी तो निकल गया ख़राब, बस एक पानी में धोए अभी, अभी बनने के बाद दोबारा धुलेंगे। और ये झींगे प्याज बनाया था मैंने, तो झींगे प्याज भी बड़े मज़े का बनता है। जिस तरह से कीमा भुना हुआ हम लोग बनाते हैं, उसी तरह की रेसिपी है इसकी। ये देखें, इसमें मैंने चाइनीज़ नमक डाला है, और चाइनीज़ नमक मिला के उसके बाद फिर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया था। ये सूप तैयार हो जाएगा थोड़ी सी देर में। ये देखें, कॉर्नफ्लोर डाल के क्रेप्स तकरीबन तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। और ये थोड़ा सा इसमें डालते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तेज़ चूल्हा करके आप इसको ना आहिस्ता आहिस्ता कॉर्नफ्लोर डाल दें, तो ये सूप की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और ये हमारे यहाँ कोई खा नहीं रहा था, बच्चे ना ये इसको साबुत सालिम बना लिया मैंने, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने खाया है तो उनको बड़े मज़े का लगा है। देखने में अजीब से लग रहे हैं, और हालांकि कोरियन जो होते हैं वो तो साबुत साबुत ही रखते हैं सूप के अंदर, तो मैंने इसीलिए साबुत साबुत ही रखे हैं। नहीं तो मैं इसको बॉईल करके इसका जितना भी इसके अंदर जो चिकन ये इसका गोश्त होता है इसका क्रैप का वो निकाल लेते हैं। ये मेरा झींगों का मसाला है, और ये छोटी सी कढ़ाई में तकरीबन आ गए थे झींगे। ये सब प्याज को थोड़ा नरम हो गई तो उसके बाद मैंने इसमें झींगे डाल दिए। ये टमाटर थोड़े से गल जाएंगे डल के। ये दो हरी मिर्चें डाली हैं, अदरक लहसुन, और ये हल्दी नमक, इन सबको अच्छी तरह से पेस्ट बन जाएगा इनका। उसके बाद झींगे इसमें ऐड कर देंगे। और फिश मेरे से पता नहीं क्यों इतनी अच्छी तरह फ्राई नहीं होती है, लेकिन इसमें मैंने अब की सूखा मसाला डाला है। कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है इसमें, सिर्फ किसी भी मिर्चें डाली हैं, नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के, और बेसन डाल दिया बस। और ये बिल्कुल सही फ्राई हुई है आपकी, वरना मेरे से ये पैन में चिपक जाती हैं। बहुत कोशिश की मैंने, मेरे से फ्राई नहीं होती सही। ये बेसन डाला है मैंने इसमें, बस ये सूखा ही मसाला लगाया और इसमें अच्छा फ्लेवर आ गया। ये देखें, ये इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। ये थोड़ा सा और भूनने के बाद फिर मैंने इसमें झींगे ऐड कर दिए थे। ये देखें, ये साफ़ सुथरे हो गए, ये तकरीबन इतने ही बचते हैं। अब ये और पकेंगे तो ये और इसमें इसकी कम हो जाएगी क्वांटिटी। अब ये इन्होंने झींगों ने पानी छोड़ दिया है,
ये थोड़ा सा पानी और खुश्क करने के बाद ये तैयार हो जाएंगे। ये मछली में मसाले लगाए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और उसके बाद इसको मैं फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा ऑयल नहीं डालती मैं, सिर्फ पैन में थोड़ा सा डालती हूँ और इसी में मछली फ्राई कर लूँगी। बहुत संभाल संभाल के मैंने डाले कहीं इसमें चिपक ना जाए, लेकिन ये फिश चिपकी नहीं है इसमें, बिल्कुल साबुत पीस उतरे। ये देखें, आप देख सकते हैं इसको, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे पीस हुए हैं, कोई कहीं नहीं चिपकी ये फिश। और कभी कभी अच्छी आ जाती है फिश, वरना तो अक्सर हमारे पास ये होता है फ्राई करते हैं तो सब वो तब पैन में चिपक के ही रह जाती है, छूटती ही नहीं है। तो अगर आप लोग कोई कमेंट्स करके बताएं मेरी फ़िश चिपकती क्यों है, मैं क्या चीज़ ऐसी है जो सही नहीं डालती जिससे चिपक जाती है मछली, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। या चूल्हे की आँच सही नहीं रखती मैं, तेज़ हो जाती है या कम रहती है, या फिर मछली बासी ले आती हूँ मैं। तकरीबन मैं ये वीडियो काफ़ी महीनों के बाद डाल रही हूँ, तकरीबन 7-8 महीने हो गए हमारी वीडियो कोई भी नहीं आ रही। ये झींगे हो चुके हैं तैयार, देखें कैसे मज़ेदार लग रहे हैं। और आप ज़रूर कमेंट्स करें कि ये किस अच्छे बने हैं, जैसे भी कमेंट्स करें, अच्छे बुरे जैसे भी करें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और फ़िश भी तैयार हो चुकी है, ये हमारी संडे की सी फूड पार्टी तैयार है, खाने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं बिल्कुल। और फ़िश भी कितनी अच्छी लग रही है, और ये क्रैब का सूप भी, कोरियन सूप तैयार है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, तीनों चीज़ें अच्छी खुद शक्ल लग रही हैं और अच्छी लग रही हैं। और सर्दियों में अक्सर हम संडे वाले दिन सी फूड ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, आम दिनों में तो नहीं, लेकिन संडे को हम लोग शदीद सर्दी में, तो हमारे घर में अक्सर ये चीज़ें बनती हैं सिर्फ संडे के दिन। चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।